माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों बहुत सारा लाड प्यार, सभी लोगों को राम राम। प्रभु करे आपका दिन ही नहीं पूरा जीवन बहुत शुभ हो। आशा करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, वो जो घंटी सी नहीं बनी आती है वह उसको ज़रूर बना दीजिएगा। और एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपको यदि ठीक लगे तो आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों में इन प्रोग्राम्स के लिंक को या YouTube चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बातचीत शुरू करते हैं और आज काम की बात में मैं उन लोगों की बात करूंगा जो लोग नौकरी में प्रतिष्ठा के मामले में बहुत परेशान रहते हैं या बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। और शुरुआत किसे करेंगे? मेष विषय में थोड़ा कर्क राशि से। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हुए चलिएगा, बाकी कुल मिला के समय बहुत अच्छा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूर्य को जल दें, अपने काम पर चलें, लेकिन केमिकल से थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करें। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, बस अपने गृहस्थी में कुछ परेशानी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके कार्य चलते रहेंगे, अनाज का दान जरूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, आपका क्रोध आज आपकी अवनति का कारण बन सकता है, अपने पेट पीठ और हड्डियों का भी आज आपको ख्याल रखना होगा। आप एक छोटा सा उपाय कीजिए, गणपति जी को दूरवा भेंट कीजिए, उनका थोड़ी देर ध्यान कीजिए, मन को शांत कीजिए और काम पर जुटिए। और हाँ, भोजन बहुत हल्का लीजिएगा। कर्क राशि, थोड़ा संभल के आज आपको चलना होगा, दुश्मन बहुत आवी है, इसलिए कोई भी गलत कार्य आप नहीं करिएगा, सोच समझ कर बोलिएगा, यात्राओं में आपको नुकसान हो सकता है और आर्थिक निर्णय भी आप ना लें तो इस दिन अच्छा रहेगा। नमः शिवाय का जप करें और अपने इष्ट को सफ़ेद पुष्प भेंट करें और मन को शांत रखें और किसी से सलाह लेने में झिझके ना। आज काम की बात बहुत आवश्यक है, मैं कुछ संकेत बताऊंगा, जैसे किसी के बचपन में पिता की मृत्यु हो गई हो या किसी को पिता का सुख ना मिल रहा हो या नौकरी में वो बहुत दुर्भाग्यशाली रहा हो या उसको प्रतिष्ठा कभी ना मिल पाती हो, रिश्ते नातों को लेके वो दुर्भाग्यवान रहा हो, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए मैं उनकी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल एक कॉल लेते हैं। जी राम राम मिश्रा जी। हाँ सर, प्रणाम, विश्वनाथ बोल रहा हूँ। जी मुझे मालूम है और आपका मुझे नाम बहुत अच्छा लगा। जी बताइए। हाँ, मुझे अपनी आपकी आवाज कट रही है, क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/2/1982। 3/2/1982। अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ है सर 7:50 AM। जी। और सर प्लेस ऑफ बर्थ है बोकारो स्टील सिटी झारखंड। जी। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन है, मदर की अभी क्रॉनिक किडनी डिजीज का डिटेक्ट हुआ है सर। जी। उनकी तबीयत कब तक रिकवर हो पाएगी? और सर मेरी मैरिज भी नहीं है सर। देखिए, उनकी तबीयत की पहले बात करते हैं, उनकी तबीयत में ये परेशानी अभी बढ़ेगी और 2021 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें परेशानियां लगातार बढ़ेंगी, उनके हेल्थ को लेकर आपको ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। उसके लिए काम ये ज़रूर करा दिया कीजिएगा कि हर सोमवार और शुक्रवार को उनसे दही और चावल का दान ज़रूर करा दिया कीजिएगा, तो इससे चीज़ें कंट्रोल होंगी भगवती कृपा से। और आपके जो विवाह का समय है, देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, विवाह का सुख आपके जीवन में है नहीं, तो यदि आप अपने बिजनेस पर या नौकरी पर ध्यान देते हुए समाज सेवा का संकल्प लें तो वो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं विवाह तो करना चाहिए, ऐसा करके यदि आपको लगता है तो 2021 में फिर विवाह कीजिएगा। आइए हाल जानते हैं सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि का। सिंह राशि, आपको बहुत संभल के चलना है, गलत निर्णय आपके हो सकते हैं, मित्रों में या निजी रिश्तों में कोई परेशानियां आ सकती हैं, जिन लोगों को पेट और कंधे की दिक्कत रहती है या जोड़ के दर्द की समस्या से जो लोग ग्रसित हैं वो लोग इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? आलू पे हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाइए। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर है, इस दिन का सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, इस दिन माता पिता के चरण छूकर या उनको प्रणाम करके यदि वो दूर है तो फिर अपना कार्य शुरू कीजिएगा, वो सफलता देंगे।
तुला राशि, यह दिन आपको कुछ परेशानियां भी देगा लेकिन आपको अच्छी ट्रेनिंग भी मिलेगी और कुछ लोगों की मदद भी आपको मिल जाएगी। बस आप सकारात्मक रहे और अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को नीचे मत जाने दीजिएगा। आटे का दान कीजिए, काम पर जुट जाइए। वृश्चिक राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय में किए गए कार्यों के आगे जाकर अच्छे लाभ मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है, सदुपयोग करें इसका। आप मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, वो तो सब ठीक करेंगे। एक बेटे की माँ बात करना चाहती है, हमसे बात करते हैं। जी माँ, राम राम। राम राम, प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। जी प्रभु आपको बहुत सारा सुख दे। जी धन्यवाद गुरु जी। मैंने जैसे बताया, वो जसविन के लिए मुझे पूछना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2006। जी टाइम 5:43 PM दिल्ली। जी एक तो इनके इष्ट और मुख्य ग्रह है, बट मेजर प्रॉब्लम इज कि तो स्कूल नहीं जा रहे हैं। जी ये नवंबर 2018 से इनके स्वभाव में एक अजीब सा गुस्सा या अजीब सी समस्या आप महसूस कर रही होंगी। और अभी तो ये कभी बिल्कुल एकांत में जाकर बैठ जाता होगा और कभी आप पर बहुत लड़ाई झगड़ा गुस्सा करने लगता होगा। बहुत गुस्सा, पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जा रहा, और हमें जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है इस तो स्कूल और पढ़ाई की, तो वही साथ में वो अपने फादर के बारे में अब काफी बात कर रहा है। वो अपने पेरेंट्स को के डिवोर्स को लेकर डिस्टर्ब है। ही इज ब्लेमिंग एंड एज पर द साइकोलॉजिस्ट एंड होम्योपैथ उसकी सप्रेस्ड इमोशंस है, लोनलीनेस है, और वो मेन फिगर मिस कर रहा है। जी हाँ। अब देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगले साल से 2020 से अप्रैल के बाद इनके स्वभाव में फिर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ही विल बिकम मोर पॉजिटिव फ्रॉम अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स। इतने बीच में आप एक काम ये कर दीजिएगा कि इनको जो गोमती चक्र होता है ना, गोमती चक्र, तो गोमती चक्र को चांदी के पेंडेंट में मढ़वाकर सफ़ेद रंग के धागे में इनके गले में पहना दीजिए, या चांदी की चेन में इनके गले में पहना दीजिएगा। और ये कार्य आपको सोमवार को करना है। और इनसे रोज़ाना आप बात कीजिए, और इनको हंसाने की कोशिश कीजिए, खिलाने की कोशिश कीजिए, इनके साथ थोड़ा सा घूमने जाइए। इसके पास बहुत सारी कल्पनाएँ हैं, इसके पास बहुत सारे विचार हैं, उनको सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये इसके जीवन में दो बुजुर्ग लोग बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं या कर रहे होंगे, तो हाँ, तो उन दो बुजुर्गों के पास आप अपने साथ इन्हें लेकर जाया कीजिएगा और इन्हें जिंदगी की सच्चाई से, कुछ कहानियों के माध्यम से रूबरू कराते रहा कीजिएगा। ये कार्य आपको अप्रैल तक करना है, इसको तपस्या की तरह से कीजिएगा। अप्रैल के बाद धीरे धीरे इसके स्वभाव में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे और दिसंबर तक आते आते ही विल बिकम अ वेरी गुड बॉय। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको गुस्सा रहेगा। बेसिकली इनके ये जेनेटिकली बहुत एग्रेसिव बच्चा है, जेनेटिकली मे बी इनके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं वो समस्या होगी। फादर में है। जी हाँ, तो वो हम इसको इसके फादर से मिलवाएं क्या? मिलवा सकते हैं, कोई बहुत उसे अंतर पड़ेगा नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है मिलवाने के बाद और डाइकोटमी क्रिएट हो जाएगी इस बच्चे के माइंड में और डुअलिज्म बढ़ जाएगा। तो इनको मिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मना भी मत कीजिए अगर वो मिलना चाहे तो, बस इतना, लेकिन ये कार्य करते चले जाइए। और एक नियम ये बना दीजिएगा कि रविवार को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ ये कुछ गरीब लोगों में, कुछ ज़रूरतमंद लोगों में जाकर खुद बांटा करें। देखिएगा, आप ये उपाय कीजिए, इतना अच्छा परिवर्तन इनके जीवन में आएगा कि आपको फख्र होगा। अदरवाइज द बॉय इज़ वेरी गुड, वेरी शार्प, एंड ही विल बी सटल वेरी वेरी सून। ही विल गो अब्रॉड ऑल्सो, तो नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट वेट अपटिल अप्रैल। ठीक है, बच्चों को पालना कोई आसान खेल नहीं है आजकल, और समाज में जिस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, घरों में जिस प्रकार के कलह हो रहे हैं, डिवोर्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका सबसे बुरा असर डिवोर्स लेने वालों पर नहीं पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। आप घर में छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई करते हैं, कलह करते हैं, उसका असर आप पर इतना नहीं होता, उसका असर उस बच्चे पर होता है जिसकी कोई गलती भी नहीं है। तो अपने
बच्चों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है और ये आराम से व्यवहारिकता के माध्यम से की जा सकती है, नहीं तो कुछ वर्ष बाद कुंडली ही दिखाएंगे। तो ऐसे निर्णय कोई जन ना लिया करे कि जिससे बच्चों को दुख हो, बच्चों को कष्ट हो। बाकी तो आश्रम में बहुत सारे बच्चे आते हैं और गप करते हैं, उसका नाम ही गप चौराहा है। तो हम लोग गप करते हैं कहीं बैठ के और धीरे धीरे बच्चे अच्छे रेस्पॉन्ड करने लगते हैं। कोई भी बच्चा आ सकता है वहाँ पर, तो बच्चों के अंदर मिरेकुलस चेंजेस आते हैं। और किससे? गप करने से, क्रिएटिविटी से, फ्रेंड्स के साथ खेलने से। और जो आश्रम की ट्रेंड टीचर्स हैं वो उनको ऐसे मैनेज कर लेती हैं कि पता भी नहीं चलता और चीज़ें ठीक होने लगती हैं। धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं। धनु राशि, सोच समझ कर चलिएगा, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप किसी से कहीं कुछ गलत ना बोल बैठे, कोई गलत वायदा ना कर बैठे, किसी गलत व्यक्ति की गवाही ना दे बैठे और या फिर गुस्सा ना कर बैठे, संभल के चलिएगा। तो उपाय बता दूं, एक बहुत सिंपल उपाय, आज गौ माता की सेवा कीजिए या पक्षियों की सेवा कीजिए, दाना पानी दीजिए और काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक करेंगे। मकर राशि, समय आपके लिए अच्छा है, इस समय का सही उपयोग करने से आपको आगे जाकर बहुत लाभ हो सकते हैं। हाँ, बस जब पैसा आप लगाएं, कोई बड़ा डिसीजन आपने, तो घर के किसी बुजुर्ग की सलाह जरूर ले लीजिएगा, उसे माननी भी है। एक छोटा सा उपाय कर दें आप, उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, अपने इष्ट का नाम लीजिए और अपने काम पर जुट जाइए। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत कर रहा है, लेकिन कभी अच्छा होगा फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर अच्छा होगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। बस इस समय में धैर्य रखिएगा, ओम रुद्राय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें। मीन राशि, जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला ना लें या जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना खा लें जो आपकी हेल्थ को सूट ना करता हो। मौसम के अनुकूल वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा और इस दिन को बेहतर बनाने के लिए तुलसा जी के पत्ते को तोड़कर अच्छे से धोकर जिवा के नीचे रखकर अपने इष्ट का नाम लेते रहिएगा, फिर काम पर जुट जाइएगा, तो जी सब ठीक करेंगे। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो मेरी ओर से, पूरे आश्रम परिवार की ओर से सबको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत से काम करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन जून के बाद कोई नया काम करेंगे तो आपके द्वारा निश्चित रूप से कोई ऐसा गलत डिसीजन हो जाएगा जिससे आपको परेशानियां होंगी। वैसे कुल मिला के समय बहुत अच्छा है, जमीन से जोड़कर काम करें, मेहनत से काम करें। खास तौर से नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय बहुत अच्छा है कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए या रिश्ते जोड़ने के लिए। इस समय में आपको नए उद्योग में या नई नौकरी में सफलता मिल सकती है। कुल मिला के समय अच्छा है, करना क्या है, नीले काले कपड़े पहनेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी शनिवार को काले कपड़े में पका हुआ भोजन बांधकर किसी ज़रूरतमंद को, ख़ास तौर से किसी कुष्ठ रोगी भाई को ज़रूर दे दिया कीजिएगा। यह एक उपाय आप करना शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और दो बातों का ध्यान, क्रोध नहीं करना है और अपनी हड्डियों का ध्यान ज़रूर रखना है इन 12 महीनों में। प्रभु जी सब ठीक करेंगे, उपाय करेंगे, तो ऑल द बेस्ट। और अब काम की बात, मैं कुछ लक्षण आपको बताता हूं। मान लीजिए घर में आपके सेवक नहीं टिकते, सेवक नुकसान करते हैं, मित्र नुकसान करते हैं, नौकरी में समस्या होती है, पिता का सुख नहीं मिलता या बचपन में ही पिता का सुख छिन जाता है, आप ढंग से बोल नहीं पाते, बोलते समय थूक निकल जाता है या बोलते समय आपको अचानक क्रोध आने लगता है या बोलते समय आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे, नहीं तो आगे जाकर यह समस्या ऐसी विकराल हो जाएगी कि भाग्य पक्ष कमजोर पड़ता चला जाएगा। और उपाय कितने सिंपल हैं, सर को हमेशा ढककर रखना है। अब हमेशा का मतलब ये नहीं सोते समय भी ढककर रखना है, लेकिन दिन के ज्यादातर वक्त सर को किसी ना किसी रूप से ढककर रखिए। जो भी पूजा स्थल में आप जाते हो, जब भी वहां जाएं सर को ढककर ही जाइएगा। दूसरी बात यह है, रविवार को 5 बादाम, घर में जो आपके सेवक आते हैं, कार्य करने वाले लोग आते हैं, उनको सेवा भाव से जरूर दे दीजिएगा और
यदि आपको कभी इन चीज़ों में परेशानियाँ महसूस हों तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, 45 दिन तक रोज़ाना नाली में तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा प्रवाहित कर दिया कीजिएगा, बस जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये उपाय बड़े काम के होते हैं, ये उपाय कभी ना खाली जाए। शिक्षा को लेकर हम लोग बहुत सचेत नहीं हैं, मैं सच कह रहा हूं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ ले और अंग्रेजी बोल ले, लेकिन ये शिक्षा थोड़ी है, स्कूलिंग है। तो हम लोग स्कूलिंग की बात तो बहुत करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते। क्या आपने देखा है एजुकेशन के लिए कभी कोई आंदोलन हुआ हो? मैंने खुद कितनी बार पेरेंट्स से कहा, आओ एक जगह बैठो, जुटते हैं, पेरेंटिंग की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। लोग नहीं आते, क्योंकि एजुकेशन के लिए मन में रोष ही नहीं होता, जोश भी नहीं होता। टमाटर के दाम थोड़े से महंगे हो जाते हैं तो मन में बड़ा रोष होता है, मीडिया भी उसे खूब दिखाता है, लेकिन एजुकेशन में कुछ भी होता रहे, कुछ अफेक्टेड लोग तो रोष जरूर करते हैं या कुछ जागृत लोग तो रोष अवश्य करते हैं, लेकिन ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक नहीं है। उन्हें नहीं पता शिक्षा का मतलब क्या है, उन्हें नहीं पता स्कूलों में कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए। 3 लाइनें कहना चाहता हूँ, अभी ताज़ी ताज़ी लिखी हैं, और मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिखें ज़रूर। देखिए, सकारात्मकता केवल सुन लिया इससे नहीं आती, एक्टिवली सुनने से आती है। तो सकारात्मकता और बढ़ जाती है जब आप कुछ सुनकर अच्छी भाषा में कुछ लिखते भी हैं, तो आप इंटेलेक्चुअल होते हैं और इसका असर आपके घर परिवार पर पड़ता है, घर परिवार में सुख आता है। तो 3 लाइनें सुनाता हूं। उनके माँ बाप घर में ही रहते हैं जिनके बदन पर कपड़े भी नहीं हैं और जिन्हें कोई किताब पढ़नी भी नहीं आती। आपका दिन शुभ हो इसी कामना के साथ आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। राम राम, नमस्कार, सबको बोलना होगा भारत माता की जय।